रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म में एक पॉइंट को समझो। मान लो एक रे आ रही है और ये यूनिट वेक्टर e1 कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो e2 कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ। इनका मैग्नीट्यूड मैंने 1 और 1 लिया हुआ है। ये मान लो x एक्सिस है, तो वैसे i कैप लिखा जा सकता है, पर इसने t कैप लिखा कोई बात नहीं, और y एक्सिस को n कैप लिखा नॉर्मल कोई बात नहीं। इस केस में जो ये इंसिडेंट रे है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो अगर ये थीटा है तो थीटा से इसके कॉम्पोनेंट्स बन जाएंगे, ऐसे इसके भी कॉम्पोनेंट्स बन जाएंगे कॉस और साइन में। तो e1 कैप को हम क्या लिखेंगे, e1 कैप को लिखेंगे 1 साइन थीटा इंटू टी कैप प्लस 1 कॉस थीटा इंटू माइनस एन कैप। तो ये लिख लिया आपने, याद कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स हो, कुछ जो करना होगा बताऊंगा एंड में, पहले प्रूफ दिखा रहा हूँ करना क्या है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा। फिर ऐसी e2 कैप में 1 cos थीटा n कैप 1 sin थीटा t कैप, तो आपने e1 कैप लिख लिया, आपने e2 कैप लिख लिया, तो e1 कैप e2 कैप आ गया। अब आप एक काम करें, e1 कैप e2 कैप में से इसे और इसे माइनस कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन के अंदर e1 कैप राइट पे ले जाओ तो ये इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं याद करना आपने, कोई टेंशन नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये 2 cos थीटा n कैप है। जो इंसिडेंट रे थी वो e1 कैप है, नॉर्मल ऊपर था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल क्या बना हुआ है, अगर ये थीटा था तो ये कितना हुआ 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ किसका, e1 कैप का और n कैप का, तो मैग्नीट्यूड इसका 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, और इनके बीच में एंगल cos ऑफ 180 माइनस थीटा जो कि माइनस cos थीटा है। तो अगर मैं cos थीटा की वैल्यू पूछूं तो क्या आएगी, माइनस e1 कैप n कैप, तो cos थीटा की जगह वैल्यू पुट की माइनस e1 कैप n कैप। एंड रिजल्ट आप फॉर्मूला रजिस्टर में बस ये नोट करें, बस क्या, e2 कैप रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर, e1 कैप इंसिडेंट का यूनिट वेक्टर, माइनस 2 इंसिडेंट नॉर्मल का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इनटू नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। आप बस ये फॉर्मूला नोट करें, प्रूफ तो समझाने के लिए था, आता नहीं है आपके उसमें प्रूफ में, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे अगर पूछ ले और इंसिडेंट दे तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी करके दिखाता हूँ कैसे, ठीक है, फॉर्मूला लिख लें, मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे आपको न्यूमेरिकल आया कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि वाई जेड प्लेन पे गिरी, वाई जेड प्लेन का नॉर्मल किस कैप में होगा, आई कैप में होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, तो एन कैप क्या बना, आई कैप। ये e1 कैप है, अब आपको e1 कैप पता है, आपको एन कैप पता है, फॉर्मूले में पुट करो e1 कैप एन कैप एन कैप, सब सॉल्व करो, डॉट प्रोडक्ट लो, सॉल्व करो, आंसर आएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। आज की बात अगर ये क्वेश्चन आया, आप ऐसे ना करें, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या शॉर्टकट है, आप ये बताएं, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल किस कैप में है, आई कैप में है, तो जहां आपको आई कैप का कंपोनेंट दिखेगा उसको नेगेटिव कर दें, आंसर ये लो, हो गया डन, बीच का सब उड़ गया। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर सब्जेक्टिव में आना नहीं, ऑब्जेक्टिव के अंदर बता दिया कि जब रिफ्लेक्टेड रे के कंपोनेंट निकलते हैं तो जो नॉर्मल कैप होगा उसका कंपोनेंट चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में देगा कि दो मिरर्स हैं, पहले रे टकराती है एक मिरर से जो वाई जेड प्लेन में है, और फिर टकराती है जो एक्स जेड प्लेन में है, तो अगर ये इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, बोलो इसमें नॉर्मल क्या बनेगा, आई कैप, तो इससे टकरा के रिफ्लेक्टेड रे में ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर जो आंसर आएगा वो इसको टकराएगा जे कैप, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनल आंसर में ये दोनों क्या पाए जाएंगे, नेगेटिव। आंसर डन, हो गया, रिफ्लेक्शन हो गई, सही है, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये शॉर्टकट याद करो, ऑब्जेक्टिव आएगा, बात खत्म, वो भी अगर आएगा तो। और लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन वापस बताओ, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको नॉर्मल ढूंढना है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, वाई जेड प्लेन का नॉर्मल आई कैप है, तो इसको नेगेटिव कर दो, और इसका कैप वाई कैप है, इसको भी नेगेटिव कर दो, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, आंसर ओके सर, ये दोनों आंसर नेगेटिव होंगे इसमें रिफ्लेक्टेड में। और लास्ट वेक्टर फॉर्म स्नेल्स लॉ,
स्नेल्स लॉ में ये म्यू वन इंटू साइन आए म्यू टू इंटू साइन आए आर ये टर्म लिख लें। अगर आप ई वन कैप और एन कैप की बात करें तो ई वन कैप क्रॉस एन कैप होगा वन इंटू साइन ऑफ 90 माइनस आई जो कि ये आएगा, करना नहीं है आपने कुछ भी। ऐसी ई टू कैप क्रॉस एन कैप करेंगे तो ई टू कैप और एन कैप में एंगल क्या मिलेगा आपको आर, तो ई टू कैप ये रहा सॉरी नॉर्मल ये रहा, तो ई टू कैप और नॉर्मल में एंगल क्या बनेगा 180 माइनस आर, तो जो कि साइन आर ही होता है। तो आपने साइन आई निकाला वेक्टर फॉर्म में, साइन आर निकाला वेक्टर फॉर्म में, साइन आई और साइन आर को यहां पुट करके ये नोट कर लें ये आपका स्नेल लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। इसका मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है पर मैंने ये क्वेश्चन आता देखा भी नहीं है, और स्पेशली जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि उनको 3D और वेक्टर आता है मैथ से, वो लोग उस रूल को लगा के नॉर्मल का प्लेन सॉल्व करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसकी आने की प्रोबेबिलिटी मैंने कभी देखी नहीं है, बट मैंने करवा दिया डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो ये लगा सकते हो, बात खत्म।